राजधानी भोपाल में द्रोणाचल अधिकारियों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें युवाओं को अग्निपथ के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को लेकर जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि 4 साल के लिए युवाओं को देश की सेवा के लिए अग्निपथ योजना के माध्यम से सभी सैनिकों का नामांकन किया जाएगा। अखिल भारतीय योग्यता पर आधारित भर्ती की जाएगी। भारत में एक निष्पक्ष, पारदर्शी और वैज्ञानिक पद्धति स्थापित करेंगे। 4 साल के लिए प्रारंभिक भर्ती की जांच करना और फिर से नामांकित होने वालों का चयन करने के लिए समान मानदंड लागू करना है। इस बात पर थल सेना अपनी विरासत, इतिहास, पारंपरिक संवाद और संस्कृति, जो कि एकजुटता, सौहार्द, एस्पिरेट कॉर्प्स और नाम सामान्य टाइप के टेस्ट पर आधारित होंगे। पूरी तरह से अग्नियों को सेना में हर तरह से एकीकृत इकाइयों, मुख्यालय और प्रतिष्ठानों में, परिचालन, गैर संचालन क्षेत्रों में, भारतीय सेना के अलग अलग अन्य यानी शस्त्र और सेवाओं में भर्ती की जाएगी। शूरवीर योद्धा हमारे भरे आत्मनिर्भरता की उड़ान। मौजूदा यहाँ लेडी, तो एक ही लेडी बैठी। अंत में मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप इस योजना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और संपूर्ण युवाओं को इस बड़ी अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए अवगत कराएं।